स्टेशन से बाहर आ चुके हैं और अभी हम बस स्टैंड की तरफ जाएंगे ईशा योगी शेल्टर के लिए। बस पकड़ेंगे वहीं से आदि योगी स्टैचू पे अभी हम निकलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, बस हमें मिल चुकी है ईशा योगी सेंटर के लिए। तो जैसे ही हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकले, तकरीबन हमने 15 से 20 मिनट तक का वेट किया बस का, और 14D बस का नंबर है जो हमें ईशा योगी सेंटर तक ड्रॉप करेगी। फ्रेंड्स, फाइनली हम आदि योगी स्टैचू पहुंच चुके हैं और इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं। दोस्तों, कोयम्बतूर से जो इसका डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर्स का है और फिलहाल आप मेरे पीछे देख रहे हैं बिल्कुल अभी क्लोज किया हुआ है, ओपन नहीं हुआ है। तो अभी बता रहे हैं 8:00 पे ओपन होगा। तो वेदर कंडीशन यहाँ की बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो हल्की सी बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी, फिलहाल मौसम एकदम साफ़ हुआ है। तो 8 बजे ओपन होते ही मैं आपको अंदर लेके चलूँगा दोस्तों। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट यार, बहुत ही बढ़िया नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इस वक्त 8 बज चुके हैं और हम अंदर की तरफ जा रहे हैं आदि योगी स्टैचू। तो दोस्तों, मेन एंट्रेंस से आदि योगी स्टैचू जो है वो तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। और दोस्तों, अगर आपके पास 2 पहियों वाला वाहन या 4 पहियों वाला वाहन है तो आप उसे अंदर तक लेके जा सकते हैं। और अंदर में जो पार्किंग फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। अगर आपके पास वाहन उपलब्ध नहीं है तो आप हमारी तरह दोस्तों पैदल ही चलकर अंदर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ आने के लिए सबसे पहले तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो आप यहाँ पे पहुँच के भी करवा सकते हैं। और दोस्तों, आजकल कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया है। यहाँ पर जो एंट्री है दोस्तों, बिलो 10 ईयर ऑफ एज विदाउट नोज मास्क आप अंदर नहीं जा सकते हैं। एडल्ट ओवर 65 ईयर ऑफ एज, प्रेग्नेंट वुमेन, इंडिविजुअल विद कोविड-19 सिम्टम्स, इन सभी के लिए जो एंट्री है वो निषेध है। तो दोस्तों, आदियोगी शिव की जो ये प्रतिमा है 112 फीट ऊंची है, जो कि कोयम्बतूर में वर्ष 2017 में स्थापित की गई थी। 24 फरवरी 2017 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर इस प्रतिमा का उद्घाटन किया था। और इसका जो डिज़ाइन है दोस्तों, वो सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने किया है। उनका विचार है कि यह प्रतिमा योग के प्रति लोगों में प्रेरणा जगाने के लिए है, इसलिए इसका नाम आदियोगी रखा गया। और शिव को योग का प्रवर्तक भी माना जाता है।
आदियोगी शिव ईशा योग परिसर में स्थित है, जो कि वेलंगरी पर्वत की तलहटी में तमिलनाडु के कोयम्बतूर में ध्यानलिंगम में स्थित है। इस प्रतिमा को 2 साल 8 महीने में तैयार किया गया था। प्रतिमा की ऊंचाई 112 फीट यानी 34 मीटर है। सदगुरु ने यह भी कहा है कि ऊंचाई मानव तंत्र के 112 चक्रों का प्रतिनिधित्व करती है। ईशा फाउंडेशन वाराणसी, मुंबई और दिल्ली में ऐसी 3 प्रतिमाओं को खड़ा करने की योजना बना रही है। सबसे ऊंची प्रतिमा दोस्तों नेपाल में कैलाशनाथ महादेव प्रतिमा है, जो कि राजधानी काठमांडू से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। उसकी ऊंचाई 143 फीट लंबी है। फ्रेंड्स, अब यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है, पर जाने की इच्छा तो नहीं कर रही है दोस्तों। क्या करें, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप भी इस प्लेस पे ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पे दोस्तों मौसम इतना बढ़िया हो चुका है, और दोस्तों जिन भाइयों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में